हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी चंदन तिवारी। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो शॉपिंग से ही स्टार्ट है। तो आपको पता है मैं आ गई हूँ अभी शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस, बक्सर का सबसे ज़्यादा जो फेमस जगह है शॉपिंग के लिए, खास करके लड़कियों के लिए जो फॉर्चून वगैरह का सामान मिलता है, वो है रामरेखा घाट। और मैं आ गई हूँ अभी रामरेखा घाट। यहाँ पर मैं करने वाली हूँ आज शॉपिंग। तो यहाँ पर कुछ मैं चूड़ी बॉक्स जो होता है ना, चूड़ी केस, बैंगल बॉक्स, और ये लिपस्टिक, क्लचर, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही थी जो चीज़ें पसंद आ जाए। तो ये सारी चीज़ें तो मैं अपने लिए देख रही थी। तो गाइज़, मैं भी आ गई हूँ रामरेखा घाट में और यहाँ पे शॉपिंग करूँगी आज। आज मैं आपको बता दूँ कि मैं शॉपिंग करने वाली हूँ किसके लिए। तो जो मेरी मामा की लड़की है, मेरी नानी और मामा की लड़की आई हुई हैं, लोग दोनों लोग, उन लोगों की शादी की शॉपिंग करनी है। मतलब मेरी मामा की लड़की का शादी फिक्स हुआ है, तो उनके लिए शॉपिंग करना है। बिकॉज आपको पता ही है, जब शादी वगैरह लगे तो शॉपिंग ही शॉपिंग करना होता है। तो कुछ पूरा तो नहीं, लेकिन हाफ शॉपिंग उन लोगों को करना है, जो भी अपना सामान लेना है। तो शादी अगर हो किसी के घर में और रामरेखा घाट ना आए, बक्सर के लोग खास करके, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे तो मैं आ गई हूँ और शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम आज ख़रीद के लेके जाएंगे। हो सके कि आपको जो इस ब्लॉग में दिख रहा है वो आपको दिख जाएगा। तो चलते हैं, मामा की लड़की की शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे शादी में अभी टाइम है, 6 महीना टाइम है, बट आपको पता है 6 महीने पहले से ही सारे चीज़ें स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बैंगल्स बॉक्स वगैरह देख रही थी, लिपस्टिक क्लचर वगैरह तो मैं अपने लिए निकलवाई थी, क्योंकि मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने लिए ले ही लेती हूँ। उसके बाद मैं चलती हूँ, वो सब मैं चलती हूँ, यहाँ पे देखती हूँ, बातें करती हूँ कि भाई देखो, यहाँ पे ना बजट भी मिलाना पड़ता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी कराना पड़ता है, क्योंकि हम लड़कियाँ ऐसी होती ही हैं कि डिस्काउंट करा के ही लेते हैं, और मैं तो खास करके। तो यहाँ पे मैं फिर से वो वाला बैंगल्स बॉक्स पसंद नहीं आया था उनको, जिनको लेना था, मुझे तो नहीं लेना था। तो फिर हम यहाँ पे दूसरे शॉप पे आए हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि चीज़ें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि किसी को एक जगह पे अगर नहीं जमा तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं, बहुत सारे यहाँ पे दुकान है, तो हम लोग तो वहाँ से ट्राई कर ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन यहाँ पर मिल जाते हैं ना, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब क्या ही बताऊँ, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी जिसको शॉपिंग करना होता है, कहीं और जाके शॉपिंग करे, वो अलग बात है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद रही थी, देख रही थी, तो यहाँ पे मतलब बैंगल्स बॉक्स पसंद आ गया था। तो मैं फ़ाइनल करूँगी, फिर वहाँ पे उसमें बैंगल्स वगैरह डलवाऊँगी, चूड़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें लूँगी। तो यहाँ से सारा शॉपिंग करने के बाद हम चलेंगे पर्स वाले शॉप पे, जो पर्स का दुकान होता है ना, उस पे चलेंगे, वहाँ से लेना है पर्स। तो अभी ना छोटा वाला ही लेना है, बहुत बड़ा वाला नहीं लेना, जो साइड पर्स होता है ना वही चाहिए था उसको। तो ये हम लोग फाइनल किए हैं, जो भी आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, तो ये वाला अच्छा लगा था। वैसे तो बहुत सारे कलेक्शन थे यहाँ पे, बट सबसे अच्छा वही लगा, तो उसको फाइनल करते हैं एंड वहाँ से लेते हैं। अथर्व भी बहुत परेशान हो रहा था, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा टाइम मार्केट में दे नहीं पाता है, और मैं इसको इसीलिए लेके जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज कोई नहीं था घर पर, इसीलिए मुझे इसको लेके जाना पड़ा, क्योंकि मम्मी, नानी और हम सब बहनें, सब लोग आ गए थे मार्केट में। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारी जो भी सारी चीज़ें खरीदनी थी, सब कुछ खरीद के हम चलेंगे घर की तरफ। वैसे उनकी एक और भी बड़ी बहन है, तो उनकी बच्ची के लिए भी ड्रेस देखना था। तो यहाँ पे हम लोग कपड़ा के दुकान पे भी आए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं, बट कुछ ढंग का पसंद ही नहीं आया, कुछ दिखा ही नहीं। मम्मी मेरे पीछे बैठी हुई हैं आराम से, और मैं ही देख रही थी, मैं तो थक भी गई थी। अभी आप देख सकते हो बाहर रात हो गई, मतलब हम लोग ना 4 बजे के करीब में निकले थे, और अभी 6-7 बज रहा होगा। सबकी हाल, मतलब सब लोग जमा ही ले रहे हैं, सबकी हालत ख़राब हो गई थी। अब लग रहा था सीधे घर पहुँचो, बिकॉज बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है पैदल मार्केटिंग करना। ऑटो से आप कितना जाओगे, क्योंकि आपको हर एक एक शॉप पर जाना होता है, तो फिर दिक्कत होती है, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर यहाँ पर देख रहे थे, कुछ खास पसंद नहीं आया, ड्रेस अच्छा ही नहीं लगा। वो बच्ची थी तो उसके लिए कुछ मतलब यूनिक क्यूटनेस टाइप का ड्रेस ही नहीं दिखा यहाँ पे। फिर एक दो शॉप पे और देखेंगे, फिर नानी बोली कि चलो अब चलते हैं घर, दूसरे दिन कभी आके ले लिया जाएगा या फिर कहीं और से ले लेंगे। तो फिर यहाँ से हम लोग डिसाइड किए कि चलो चलते हैं घर, बहुत तेज़ भूख भी लग गई थी। तो यहाँ से जाने के बाद हम चलेंगे कुछ खाने पीने की तरफ, फिर कुछ खा पी लिया जाए। वैसे मम्मी नानी तो प्याज लहसुन नहीं खा रही हैं सावन में, बट हम लोग नहीं मानते, हम लोग प्याज लहसुन के बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक लोकल शॉप पे गई और मन कर रहा था चाट खाने के लिए, तो चाट ऑर्डर की,
तीन लोग थे हम लोग, और था अपना तो किंडर जो है बिस्किट दिस दैट यही सब खाता रहता है, तो वो अपना खरीदवा लिया। उसके बाद हम चाट खाएंगे और सीधे घर आएंगे। घर आने के बाद पता चला वो भाई साहब अब तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है। इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं पैदल बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी। वैसे मैं इतना पैदल जाती नहीं, इसलिए मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। कहीं भी जाना होता है तो बुलेट से ही जाऊँगी, आऊँगी पैदल जाती हूँ तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। अब नेक्स्ट डे ये सुबह का ब्लॉग है, रात में उतना ही थक के मैं ब्लॉग एडिट कर दी थी, और ये नेक्स्ट डे सुबह में ये लोग जा रहे हैं, मतलब नानी और मामा की लड़की जा रही है। नानी बहुत इमोशनल हो रही थी बिकॉज अपनी बेटी से मिल के दूर जा रही थी, तो नानी रो भी रही थी मेरे लिए और मम्मी के लिए। मम्मी और शिवानी उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं लोग बस स्टैंड, और नानी और जो मेरी बहन थी वो लोग अब जा रही हैं। वैसे तो 4-5 दिन से ये लोग यहाँ पे थी, बट उनको जो शॉपिंग करने के लिए ही यहाँ पे आना था, तो शॉपिंग हो गया, फिर अपना सारा सामान ले करके अब जल्दी अपने गांव, मतलब मेरे मामा के यहाँ। यहाँ पे नानी मेरी बहुत अच्छी है रियली में, और बहुत इमोशनल हो रही थी। फिर ये जाएंगे घर। अरे आ गया इसका तो कोड। ब्यूटी ए ब्यूटी, अरे आओ आओ एक बात बताता हूँ, आओ एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये देखो सिल्वर प्ले बटन का, मेरा सिल्वर प्ले बटन का कोड आ गया है फाइनली। मतलब अभी सिल्वर प्ले बटन नहीं आया लेकिन कोड आ गया है, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म फिल करेंगे ना उसके बाद। सो गाइज, अभी मैं रेड कलर की साड़ी वेयर की हूँ और ये साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई हूँ, बिकॉज मुझे आज इस साड़ी का कोलाबेशन करना है। आपको पता ही है डेली किसी न किसी साड़ी का कोलाबेशन करना होता है, या फिर एक दिन में 2 से 3 साड़ियों का भी कोलाबेशन होता है। तो ये आज रेड कलर की साड़ी का वेयर कर ली हूँ, इसका कोलाबेशन हो गया है। फिर शाम के लिए एक दूसरा रेड कलर का साड़ी रखी हूँ, और फिर रात के लिए एक रेड ही कलर का तीसरा ड्रेस रखी हूँ। मतलब आज का टारगेट है मेरा 3 ड्रेस का, और आज है फ्राइडे, अथर्व के स्कूल की छुट्टी हो गई है 2 दिन के लिए। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ससुराल जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बिकॉज इतने सारे काम है ना कि इस बार मेरा मन कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँ। रीजन बता देती हूँ आपको, एक तो पहले मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन आ गए हैं, उन सब का शूटिंग करना है, और दूसरी बात कि मैं क्या ही बताऊँ यार, मतलब जैसे कि बाहर भी जाना है शूट करने के लिए वीडियो। प्रैक्टिकल है मेरा 13 को, और मेरा प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है लिखना, मतलब कंप्लीट तो दूर की बात है। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे मैं आराम से लिख लूँ, तो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगी लिखना। अगर मैं लिख पाऊँ तो लिख लूँगी, और 13 से पहले तो कैसे भी मुझे लिख के ले जाना ही है, उस दिन चेक कराना है और जमा भी करना है। अथर्व अभी सो रहा है, तब तक मैं अपना साड़ी चेंज करके कर लेती हूँ। आज का मेरा ये है लुक अभी शाम वाला, और ये वाला ड्रेस पहन के मैं छत पे आ गई हूँ। और पता है आज मैं किसको लेके आई? पति देव को, वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि शिवानी सो गई है, उठ नहीं रही है, और मैं अपना वीडियो शूट करना ज़रूरी है क्योंकि रक्षाबंधन पास में आ गया है, और रक्षाबंधन स्पेशल ये ड्रेस है। तो आज मैं बोली थी उनका करने के लिए, आज करूँगी तभी तो भाई रक्षाबंधन के लिए ऑर्डर भी मिलेगा। तो जल्दी से इसका कोलाबेशन कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा जॉर्जेट फैब्रिक में ये ड्रेस है। उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। ओके, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, अभी बहुत तेज बारिश होने लगी। पता है अभी 5 बज रहा है लेकिन फिर भी चारों तरफ अंधेरा हो गया है और एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया। तो गाइस यहाँ पर अथर्व अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है ना अथर्व? हाँ, फिर फील में कर दिया। क्या लिख रहे हो? 16। लिखो जल्दी। तो गाइस अभी रात के बज गए 9:30, और मम्मी बना रही हैं आज लिट्टी, और आग वाला जो लिट्टी होता है ना वो वाली लिट्टी बन रही है, और मैं आज अपना प्रैक्टिकल लिख रही हूँ क्योंकि मुझे 13 को कैसे भी जाके प्रैक्टिकल देना है। तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है इसलिए मैं उतना कर नहीं पाऊँगी, सो आधा को दी हूँ शिवानी को, ये भी लिख दे, फिर 3rd वाला मैं लिखूँगी। 3 लिखना है, बहुत ज़्यादा है लिखना इसलिए मैं इससे हेल्प ले रही हूँ, बाकी अभी तो हमारा चल ही रहा है। देखो यहाँ पे ये लिख रही है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप लोग बताना किसका राइटिंग ज़्यादा अच्छा है। मेरा है। देखो ये है
शिवानी का राइटिंग अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा। और ये है मेरा। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बना रही हैं लिट्टी, और लिट्टी बन रहा है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोहित लेके आ गया है पिज्ज़ा और बर्गर चाय सुट्टा बार से। तो हम लोग अभी पिज्ज़ा और बर्गर भी खाएंगे। और पिज्ज़ा बर्गर जब भी आता है ना तो भाई मतलब कुछ भी चीज़ आता है ना, खाने से पहले फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना ज़रूरी है ना। तो ऐसा ही कुछ सीन हो जाता है हमारे घर में। तो अभी मैं तो खैर ब्लॉगर हूँ तो मेरी बात ही अलग है, हर चीज़ रिकॉर्ड करना है। बेचारी शिवानी भी अपना कैमरा लेके आ जाती है स्नैपचैट में या फिर इंस्टाग्राम में फ़ोटो शूट करने के लिए। तो देखो इसका भी चल रहा है। और अथर्व और मोहित को ना फोटो वीडियो से मतलब नहीं होता है, बस खाने से मतलब रखता है लोग। तो ये लोग का चल रहा है अपना खाना पीना। इसी के साथ ये वाला भी ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।